अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ, बिल्कुल फ्री। इसे मत उतारो, तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। नवरात्रि के पहले दिन ही देवी माँ का आशीर्वाद तुमको मिला है। बिना देवी माँ की इच्छा के ये हार तुम्हारे गले में आ ही नहीं सकता था। तुम्हें देवी माँ की इच्छा का आदर करना चाहिए बेटी। रुको, गुरुजी, आपने तो कहा था कि ये हार इस घर की होने वाली बहू के लिए है ना? इसका मतलब इस हार में सिर्फ मेरा हक है, फिर आप ये हार इसे कैसे दे सकते हैं? चंद्रिका जी, ये पुष्प अपने हाथ से कन्या को दीजिए। करिश्मा, ये लो। सॉरी आंटी, मैं ये छोटा सा फूल नहीं एक्सेप्ट करूंगी। दिस इज नॉट फेयर। घर की नौकरानी के लिए इतना इंपॉर्टेंट हार और चौहान हाउस की होने वाली बहू को छोटा सा फूल। समय से पहले और भाग्य से अधिक कभी किसी को नहीं मिला है। और फिर देवी माँ के दरबार में तो छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है। शक्कर का एक दाना हो या खीर की पूरी कटोरी, दोनों ही प्रसाद होते हैं। चंद्रिका जी, समझाइए बिटिया, और पुष्प दीजिए। लेकिन देवी माँ शैलपुत्री का प्रसाद सबको वितरित कराइए। इस भोग में तो अमृत सी तृप्ति है। देवी शैलपुत्री अत्यंत प्रसन्न होगी। गुरुजी, आज का ये प्रसाद वसु ने बनाया है। भोग के स्वाद से बनाने वाले के मन का पता चलता है। तुमने बहुत ही साफ मन से इस भोग को बनाया है। प्रभात जी, पूरे परिवार पर मात भवानी की कृपा बरसेगी। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।